हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं शगुन विद मॉम से बोल रही हूँ। और आप सब कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं सुबह का बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो हस्बैंड ने कहा है कि आज पकोड़े बना लीजिए, मिर्च के बनाऊंगी आज मैं पकोड़े। और जो मिर्च आती है मोटी वाली, वो स्पाइसी नहीं होती है, उसके बहुत टेस्टी लगते हैं ये पकोड़े। तो आज मैं वही बनाने जा रही हूँ और आपके साथ शेयर करूँगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आपके साथ शेयर ना करूँ। तो चलो आज हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो फिर से हेलो आपको। ये मैंने मोटी मिर्च ली है और उनको अच्छे से वॉश कर लिया है। और मैं इसको चाकू से बीच में से इस तरीके से कट लगा लूँगी इसमें। तो इसी तरह से मैं सभी मिर्चों में कट लगा लूँगी। और मैंने एक प्लेट ली है और इसमें मैं अमचूरन जो पाउडर होता है वो लूँगी 2 टीस्पून, और नमक जो हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे, जितना आपको पसंद है आप डाल सकते हो। तो इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी। और मिलाने के बाद जो मैंने इस मिर्च में कट लगाया है उसके अंदर हम इस स्टफिंग को भर देंगे। इस तरीके से भर देंगे इसको। इसी तरीके से मैं सभी मिर्चों में कर दूंगी। देखिए आप इस तरीके से। थोड़ा थोड़ा भर देंगे, ज़्यादा नहीं भरना है इसको। इस तरीके से तो मेरी सारी मिर्चों में हो गया है। एक बाउल में मैंने एक कटोरी बेसन लिया है। तो इसमें मसाले ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और चाट मसाला थोड़ा सा, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे जिससे कि इसमें लम्स ना रहे। तो देखिए ये मेरा पैटर्न तैयार हो गया है। तो अब मैंने कढ़ाई में ऑयल रख के गैस पे रख दिया है। तो मैं इसको चेक कर रही हूँ कि ऑयल गरम हो गया है। तो देखिए ऑयल मेरा गरम हो चुका है। एक के छोड़ दूँगी एक एक करके। देखिए इस तरीके से। और इस तरह से पलटते रहेंगे। और देखिए ब्राउन हो गए हैं तो मैंने ये निकाल लिए हैं। तो पकोड़े हमारे बन चुके हैं फ्रेंड्स। आप भी हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर लीजिए। तो मेरी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि आपको सबसे पहले मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।